गाइस यहाँ पे मैंने फ्रूट्स हो गया, योगर्ट हो गया एंड मिल्क का किधर रखा? मैंने मिल्क भी तो था, ओए किधर रखा? यो गाइस, सब मिल्क मैंने इधर रख दिया हूँ एंड दिस इज आलमंड ड्रिंक. इट हैज प्रोटीन, विटामिन ए ई बी, मतलब समझ रहे हो, सब कुछ है इसमें. तो आरती बनता हुआ हेल्दी रहेगा. और सबसे पहले मैं बनाऊंगी, ये मेरा मॉर्निंग ड्रिंक है, ठीक है, ब्लैक कॉफी. फिर आफ्टर दैट फिर मैं नूडल्स खाऊंगी. मतलब लड़की ने सब कुछ सेट कर दिया है गाइस, ठीक है, बस खाना है, पीना है, घूमने जाना है, आना है, फिर खाना है. चेन्नई जाऊंगी तो मंदिर जरूर विजिट करूंगी, पर फॉर डे वन डे टू कब विजिट करूंगी वो पता नहीं था. तो मैंने दिल्ली से कुर्ता लेके आई हूँ मंदिर जाने के लिए. हालांकि बाहर बहुत गर्मी है, धूप लगा हुआ है, रूम के अंदर एसी लगा के रखी हूँ, लेकिन गर्मी होगा बाहर पर कोई बात नहीं. आज सजे आए वे सारा शहर, क्योंकि एक तो रील शूट कर रही थी, टाइम ऐसे चला. आज पूरा प्रियंका चोपड़ा बन के आई थी. और यहाँ पे ना किसी को हिंदी समझ में नहीं आता, ठीक है, ओनली इंग्लिश. और इंग्लिश भी ना, मतलब उन लोगों का इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्यों त्यो उनीहरूले इङ्ग्लिस पनि अर्कै खालको बोल्छ. अन्त म त के आधी बुझ्छु आधी बुझ्दिनँ, होइन, उनीहरूको भाषा ल्याङ्ग्वेज र इङ्ग्लिस मिक्स गरेर बुझ्छ, त्यो पनि एकदम अप्ठ्यारो खालके. त्यो हामी जस्तो बुझ्दै खालको बोल्दैन. यहाँको लोक ना बहुत प्यारे हुन्छ, बहुत हेल्पफुल. गाइस मैं पहुँच गई हूँ, यू हैव टू सूट माई रिव्यू, ओके. तो मैं जा रही हूँ टिकट लेने के लिए. यहाँ पे सब लोग, लड़की लड़का बच्चा लोग फोटो खींचने के लिए मुझे रोक दिया. हाँ, सबको फोटो खींचने को है. हाय, हीटिंग क्या करेंगे? सो ड्राइवर भैया, टेंपल ओल्ड 1000 ईयर ओल्ड. तो ये 1000 ईयर ओल्ड टेंपल बोल रहे गाइस, पता नहीं पर ना, लेकिन सच में ये ना पूरा रॉक का है, ठीक है, इसमें कुछ भी कंक्रीट नहीं है, पूरा रॉक का है. तो हो भी सकता है बहुत पुराना हो सकता है. फ्रॉम चेन्नई मायलापुर. ओके, सो सो गाइस यहाँ पे बस इतना ही था, बस ये टेंपल ही है और बाकी कुछ नहीं है. लेकिन ना यहाँ पे ज्यादा रहूंगी ना तो सब लोग फोटो खींचने के लिए मेरे पीछे पड़ गए, तो सब लोग एक साथ फोटो खींचूंगी तो फिर रात हो जाएगा यहाँ पे ना, मतलब बेचारे स्टूडेंट लोग. यहाँ से अभी मैं जाऊंगी दक्षिणा चित्र हेरिटेज, ऐसा ही कुछ नेम है. जम्प, ओ माय गॉड, ओके, चोकोबार, यू वांट चोकोबार, ओके. तो ड्राइवर जी को, रवि, रवि जी को, रवि जी को अभी आइसक्रीम खिलाऊंगा. नो नो, वन टू फॉर यू ओनली, आई डोंट लाइक चॉकलेट, नो लाइक, या फॉर यू ओनली. नो, और इतना दूर बस यही देखने के लिए होता तो मैं नहीं आता, बहुत दूर है गाइस. और
पैसे भी ज़्यादा लगते हैं यहाँ तक आने के लिए। सो गाइस यहाँ से मैं अभी निकल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है यहाँ पे, और अब मैं जा रही हूँ दक्षिणा चित्रा हेरिटेज म्यूजियम, तो वहाँ पे जाके ऐसी गर्मी में अपना फरारी में बैठने का मज़ा ही कुछ अलग है, पता है। मैं जैसे तैसे करके पहुँच गई हूँ और यहाँ पे अंदर म्यूजियम है। बहुत पीस है और यहाँ पे ना गर्मी नहीं है तो छाव है यहाँ पे। हाँ के भन्छ यस्तो सानो सानो हटहरू हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ उनीहरूले आफै बनाएको चिजहरू बेच्दो रहेछ। गाइस मुझे समझ में नहीं आ रहा है आज मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ पे मैं टेंपल गई थी वो मेरे होटल से 1100 का फेयर आ रहा था वहाँ पे, मतलब मैंने दिया इतना, और यहाँ आने के लिए 600 दिया। ये है चित्रा हेरिटेज म्यूजियम, पर ना मतलब इतने पैसे दे के घूमने के लायक कुछ है नहीं यहाँ पे ना, मतलब पूरा जंगल है, छोटा छोटा हट्स है और वहाँ पर ये लोग खुद के बनाए हुए सामान सेल करते हैं, बाकी पता नहीं क्या है, चलो देखते हैं। तो ये म्यूजियम है, अभी मैं इसके अंदर जा, कोई नहीं है अंदर, चलो चलते हैं। बहुत गर्मी, बस इतना ही था यहाँ पे इसे दिखाने के लिए, कुछ और भी नहीं है। पता नहीं मुझे मैं क्यों इतना पैसे वेस्ट करके इधर आया। कल मैं जाऊँगी बीच, तो अभी घर जाती हूँ, मतलब होटल जाती हूँ। जब दिल्ली में था इतना ठंड था, तो मैं सोचती थी कि मुझे गर्मी के जगह पे जाना है, या मुंबई हुआ, गोवा हुआ, ये सारा चीज़ प्लान करके मैं फिर चेन्नई भी आ गई, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दिल्ली वापस चली जाऊँ क्योंकि बहुत गर्मी है। अब चाहिँ म यहाँबाट होटल जाँदैछु, क्याब पनि आइसक्यो, अन्त यहाँनिर चाहिँ जो आर्टलाई बुझ्नु सक्छ नि त्यो उसको लागि मात्रै हो, अब मलाई त हामीलाई त्यस्तो बेसी नलेज हुँदैन नि त आर्टको बारेमा, त्यही भएर मलाई चाहिँ पुरा बोर भयो, अल्छी लाग्यो, त्यत्तिकै बित्थामा आएछ जस्तै भयो। तर जो पनि आर्टलाई माया गर्छ उसलाई चाहिँ अफकोर्स मनपर्छ, एकदमै राम्रो राम्रो आर्टहरू चाहिँ थियो। चलकै जाती हुँ, यहाँ का लिफ्ट त मतलब दो डोर है, ओपन करना फिर स्लाइड करना फिर बहुत भयंकर नजारा है। तो रूम पहुंच गई हूँ मैं दोस्तों, बहुत भयंकर ट्रैफिक था और दिन भर इतना धूप गर्मी, बुरा हेडेक हो रहा है और इरिटेट हो रही हूँ मैं ट्रैफिक की वजह से, एक घंटे की जगह पे डेढ़ घंटे से भी ज़्यादा। आज है day 3 इन चेन्नई, चेन्नई आया हुआ 3 दिन हो चुका है, बाहर निकलने में इतना मुश्किल लग रहा है, आप लोग देख सकते हो बाहर धूप लगा हुआ है, बहुत भयंकर धूप लगता है और इतना गर्मी है ना, मतलब सोचे मत, जो दिल्ली में हम गर्मी समर में फील करते हैं ना गर्मी, वैसे वाला गर्मी है अभी इधर। तो अभी शाम को अभी 4:30 बजने वाला है गाइस, तो अभी मैं आज बीच जाना चाहती हूँ, लेकिन कौन सा बीच वो अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है, पहले ये रूम क्लीन कर रहे हैं, फिर ये ख़त्म होने के बाद फिर मैं डिसाइड करती हूँ कहाँ जाना है, उसके बाद बीच जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास अभी बस 2 दिन ही बचे गाइस। तो और कल या परसों को मुझे एक मेरा दोस्त है उससे भी मिलना है, तो आज मैं बीच जाती हूँ और रूम साफ कर लेते, उसके बाद फिर मैं निकलती हूँ। गाइस अभी मैं जा रही हूँ मरीना बीच। गाइस मुझे बीच पसंद है, पर जो सैंड होता है ना, देखो नो, देखो पूरा ये चप्पल में आ गया, और ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बाकी मुझे कहीं ना कहीं घूमने तो जाना था है ना, और कल परसों को भी मैं दोस्त के साथ भी जा रही हूँ दूसरी जगह, तो आज मुझे कहीं ना कहीं तो निकलना था, रूम पे बैठे बैठे बोर हो गई थी, अभी धूप भी थोड़ा थोड़ा ही है जाने वाला है, तो अभी वेदर बहुत परफेक्ट है इस टाइम पे बाहर निकलने के लिए। अरे चल नहीं पा रही हूँ ठीक से, ऐसा लग रहा है कि मेरा पैर में फ्रैक्चर हो गया, ऐसा हो रहा है, पूरा बैलेंस बिगड़ रहा है गाइस, बैलेंस। फाइनली जाके थोड़ा सा राहत मिला, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा समुद्र दिख रहा है।
गाइस क्या मैं आज समुद्र में डुबकी मार सकती हूँ? क्या आरती बता रहा है आज बीच पे जाके, समुद्र में जाके स्विमिंग कर रहे मुझे ना स्विमिंग नहीं आता, तो इसलिए मुझे इतना खास करके पसंद नहीं है। जब मैं पहली बार गोवा गई थी तो तब ना मुझे ऐसे चक्कर आया था, जब मेरे सामने ऐसे वेव आता है ना, ये जो सी का जो वेव आता है ना, तो उससे ना चक्कर आता है मुझे। तो यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, बस देख सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, और मेरा कौन फोटो खींचेगा, मेरा कौन वीडियो बनाएगा गाइस। वैसे एक्टिविटी भी नहीं है यहाँ पे कुछ करने के लिए, बस आओ वीडियो बनाओ, फोटो खींचो और चले जाओ। मैं भी एक दो रील्स बना लूँगी। यहाँ एक्टिभिटी चाहिँ के पनि छैन, एक्टिभिटीको नाममा बसिएर घोडा छ, त्यसमा चाहिँ हामी चढेर फोटो खिच्न पाउँछ, फोटो खिचेर अन्त अलिकति राइड गर्न पाउँछ। सो गाइस मैले फोटो पनि खिचियो, भिडियो पनि एक दुई रिल्स बना लियो, और अब यहाँ पे कुछ नहीं है देखने को और करने को, और अकेले में ना बहुत होता है, क्या करूँ क्या करूँ होता है, मतलब ना फोटो खींचने वाले भी नहीं होते, वीडियो शूट करने वाले भी नहीं होते, तो ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या ही करूँगी यहाँ पर। बस अभी एक दो